और मेरे भाई अम्मू लगा हुआ है होली की तैयारी पे, गुब्बारे वगैरह में पानी भरने पे। तो हमारे सकल ऐसे बना दिए इन लोगों ने, क्या बताऊं मैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को, और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो अभी हमारा नाश्ता वगैरह भी हो गया है, आज हमने बनाई पकौड़ी फिर से, तो क्योंकि होली थी ना इसलिए बनाई हमने, और अब खेलेंगे हम होली थोड़ी देर बाद। और आज का मौसम कुछ इस प्रकार से है, धूप भी अच्छे से खिली हुई है, आसमान भी पूरा साफ है आज, और कहीं भी बादल नहीं छाए हुए आज। और आजकल पेड़ों पे हरियाली छा गई है, कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे यहाँ के पेड़ पौधे। और मेरे भाई अम्मू लगा हुआ है होली की तैयारी पे, गुब्बारे वगैरह में पानी भरने पे, और अभी चल रही है जोर शोर तैयारी होली की। देखो गुब्बारे कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं, सुंदर से लग रहे हैं। अरे इसमें देखो पानी में वो बूंद आ रही बाहर, देखो अरे मैं फूट रहा है, देखो देखो देखो। तो हमारे सकल ऐसे बना दिए इन लोगों ने, क्या बताऊं मैं। सब जाने मेरे पति ने पूरे सकल बर्बाद कर दी, कभी निखिल मैंने होली इस बार खेल में। अब देखो मेरे पति जी आ रहे पीछे से, देखो ना। और मेरे भाई लोग होली की तैयारी करते हुए आ गई मैं ताई जी के घर पे। दीदी प्रणाम। प्रणाम और ठीक। और ये देखो देवर भाभी की मस्ती चल रही है यहाँ पे। हैप्पी होली अक्कू भाई बना। प्रणाम। हैप्पी होली। हाँ हैप्पी होली। हाय हाय अक्कू बच्चा, हैप्पी होली आपको भी। और अभी जा रहे ये लोग निशा स्याली को रंग लगाने, इनकी स्याली एक निशा यहाँ गांव में, अब उसको परेशान करने जा रहे वहां पे वो, और आगे अपनी स्याली को परेशान करने। प्रणाम। उधर दावा, उधर दावा, तुम उधर दावा। जी साल की मजा आ गई। मुझ पे निकल इन लगा गए सभी लोग घर पीछे से, देखो नन्हे मुन्ने आ रहे हैं और आना भी आ रही है। और आज शादी के बाद मेरी फर्स्ट होली थी, वैसे मुझे होली का त्यौहार पसंद नहीं है क्योंकि मुझे कलर्स से एलर्जी है, मुझे कलर वगैरह पसंद नहीं है, पर क्या करें इस बार सबने ऐसे लगा दिया ना, क्या बताऊं मैं। ऐसे जैसे भूत नहीं होंगे, भूत
ऐसे बन रखे हुए आज और खूब नाचे आज हम, क्योंकि आज काफी मजा आया नाचने में। फर्स्ट टाइम इतनी मस्ती की हमने, क्योंकि मैंने कभी खेला ही नहीं, मतलब होली का त्यौहार मैंने कभी मनाया नहीं, आज ही मनाया तो अच्छा लगा। देखो कितना शोर मचा रखा उन्होंने पीछे से, और जैसे कंगले नहीं होते कंगले वैसे हो रखे। होली का त्यौहार भी निपट गया है मजे से, और अब जा रहे हैं हम खेत में। बहुत ज्यादा थक गए थे हम आज, और खेत में हम क्यों जा रहे हैं, क्योंकि भाई लोग गए वहाँ मैच खेलने, उनका मैच देखने जा रहे हैं हम, और पानी लेके जा रहे हैं उनके लिए। उन्होंने बोल रखा पानी लेके आओ, और एक एक डब्बे में बहन लेके जा रही है मेरी बहन, और एक बोतल में लेके जा रही हूँ। उनको प्यास लग गई, बोला कब से जा रहे हैं वो मैच खेलने, होली खेल के आए वो, नहाए धोए खाना खाया सीधा मैच खेलने भाग गए भाई। इतनी धूप में कैसा खेल रहे हो, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, मेरे मायके में बहुत ज्यादा गर्मी है, ससुराल में ठंड है, यहाँ गर्म होने लगे बहुत ज्यादा, अभी से ही इतना गर्म होने लगे, फिर बाद में क्या होगा मई जून में भाई पता ही नहीं कुछ क्या होगा उस टाइम, आफत आने वाली है क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है अभी। और आजकल खेत इतने सुंदर लग रहे ना, हरे भरे हरे भरे, और आजकल पानी पानी भी बहुत ज्यादा नीचे चला गया है, खेत अभी खाली हो गए हैं, और कुछ दिन बाद रेत लगने वाली है यहाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा रेत लगती है अब। और देखो यहाँ पे कितना प्यारा घास है, देखो कितना लंबा लंबा हो रखा है, अच्छा लग रहा है यहाँ पे, काफी सुंदर लग रहा है। और देखो ये कितने प्यार से मैच खेल रहे हैं यहाँ पे। और अभी बहुत तेज हवा चल रही है, और इस टाइम आयुष की बैटिंग है, और नरि भाई करा रहा है बॉलिंग। और अभी आ रखी है सुम्मी की बैटिंग। तो अभी सुमित लोगों की टीम तो हो गई आउट, और अभी दूसरी टीम की बारी आ गई, नरि भाई की टीम की बारी आ गई बैटिंग करने की, और रावत जी यहाँ बैठ रखे। कैसा लग रहा मैच खेलते हुए, कितने साल बाद खेल रहे हो, तुम्हें खेल खिलाओ। और मेरी बहन दोबारा गई थी पानी लेने, वो आ गई ऊपर से। तो जीत गए भाई अभी ये मैच, अमू की टीम जीत गई मैच, और सुमी की टीम हार गई अभी।